Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the last minute tips related to the subject of financial accounting, and we are going to revise some of the basics of all the chapters. So a compact video ki demand ho rahi thi ki sare ke sare points ek mein dalo, to us base pe hum aaj hum ye video mein revise karne wale hai, aur last mein main aapko kuch important tips bhi dene wala hu jisse aap apne basics ko clear kar sakte ho aur paper kafi achhi tarike se attempt kar sakte ho. अगर हम चैप्टर नंबर वन की बात करें तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग है. इसमें आपको याद रखना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13. दो टाइप के क्वेश्चंस इसमें एक्सपेक्टेड होंगे. एक होगा आपके बॉन्ड्स या डिबेंचर्स के ऊपर, जिसमें एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आता है, और दूसरा है शेयर्स के ऊपर. तो अगर हम बॉन्ड्स और डिबेंचर्स की बात करें तो एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट आपको उसमें कैलकुलेशन ध्यान से याद रखने हैं, और मल्टीप्लीकेशन करते वक्त आपको मल्टीप्लीकेशन ध्यान से करना है, बिकॉज वाइल सॉल्विंग द पेपर हमारे सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं और उसके वजह से हम हमारे मार्क्स भी है जो लूज कर सकते हैं. तो अकॉर्डिंगली अगर हम इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में एक डिबेंचर्स के ऊपर या बॉन्ड्स के ऊपर दो में से एक पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंड उसके कैलकुलेशंस आपको याद रखना है. जैसे कॉस्ट में कौन से वैल्यूज लिखने हैं, जैसे दो परचेज दो सेल आए तो एक परचेज आपका एक्स इंटरेस्ट होगा, एक परचेज आपका कम इंटरेस्ट होगा. सिमिलरली सेल में भी दो सेल पूछे तो एक आपका एक्स इंटरेस्ट होगा, दूसरा आपका कम इंटरेस्ट होगा. लेकिन सेल में पोस्टिंग करते वक्त ध्यान से हम सभी चीज़ें तो कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन हम प्रॉफिट का पोस्टिंग या लॉस का पोस्टिंग करने भूल जाते हैं. अगर हम प्रॉफिट के पोस्टिंग की बात करें तो प्रॉफिट हमेशा आपके डेबिट साइड में पोस्ट होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस करके, और वो आपके कॉस्ट कॉलम में ही पोस्ट होगा. सिमिलरली अगर लॉस आया तो लॉस को आपको क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस, और अकॉर्डिंगली वो भी आपके कॉस्ट कॉलम में ही पोस्ट होगा. तो वेन एवर यू आर गोइंग टू पोस्ट दी सेल ऑन द क्रेडिट साइड, सेल में हमेशा याद रखना दो पोस्टिंग के बाद ही आप अगले ट्रांजेक्शन में जाना. जैसे कि पहला ट्रांजेक्शन आप सेल का एंट्री करोगे, दूसरा ट्रांजेक्शन आप प्रॉफिट या लॉस का एंट्री करोगे. कभी कभी आपके पेपर में मार्केट वैल्यू भी पूछा जाता है. अगर हम मार्केट वैल्यू की बात करें तो लास्ट में मार्केट वैल्यू वैल्यू होता है. मार्केट वैल्यू का रूल या फंडा एकदम सिंपल है. मार्केट वैल्यू में क्या करना है, मार्केट वैल्यू है या जो लास्ट में वैल्यू होता है विच एवर इज लेस करके लेना है. तो अकॉर्डिंगली आपको उसमें ध्यान रखना है. ठीक है, ये था अपना बेसिक चैप्टर नंबर वन का. चैप्टर नंबर टू की अगर बात करें तो वो है बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स. अगर हम बायबैक के ऊपर बात करें तो बायबैक काफ़ी इजी चैप्टर है, लेकिन उतना ही रिस्की भी है पेपर में अटेम्प्ट करने, बिकॉज अनलेस एंड अंटिल यूर कैलकुलेशंस आर रॉन्ग या बायबैक के वर्किंग नोट्स राइट रहेंगे तभी ही आपके बाकी के पॉइंट्स राइट होंगे. तो बायबैक में आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है. एक, वेन एवर बायबैक आप करोगे जो वर्किंग नोट आप बनाओगे उसमें अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट्स या कोई भी असेट्स को सोल्ड किया होगा तो उसका जितना भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपको P&L में एड बैक करना है, वो P&L में प्रॉफिट ऐड करना है. अगर लॉस हुआ तो P&L में से लॉस माइनस करना है, देन आपको सोर्सेस ऑफ बायबैक में उसको कंसिडर करना है. बिकॉज ये गलती अगर कर ली तो आपका पूरा वर्किंग नोट रॉन्ग हो जाएगा, और अगर आपका पूरा वर्किंग नोट रॉन्ग हो जाएगा तो आपके बाकी के सारी चीज़ें भी रॉन्ग हो जाएगी. तो वर्किंग नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगर हम वर्किंग नोट की बात करें तो वर्किंग नोट बहुत सारे पॉइंट्स उसमें रिलेटेड है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जहाँ स्टूडेंट्स सिली मिस्टेक कर सकते हैं वो मैंने अभी आपको क्लैरिफाई किया है. अगर हम जर्नल एंट्रीज की बात करें तो जर्नल एंट्रीज में चार एंट्रीज होते हैं. एक होता है बायबैक ड्यू का एंट्री, एक होता है एडजस्टिंग प्रीमियम का एंट्री, एक होता है CRR का एंट्री, और एक होता है सेटलमेंट का एंट्री. लेकिन कभी कभी आपके क्वेश्चन में पार्टली पेड अप शेयर्स दिए होंगे, तो याद रखना है आपको पार्टली पेड अप शेयर्स कभी भी बायबैक नहीं हो सकते. पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप कन्वर्ट करने के लिए आपको फाइनल कॉल ड्यू और फाइनल कॉल रिसीव्ड के दो एंट्रीज करने पड़ेंगे. इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. तो पार्टली पेड अप शेयर्स बायबैक हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी याद रखना. और बायबैक करने के बाद आपका जो डेप्ट इक्विटी रेशियो है वो 2:1 का रूल है, वो 2:1 भी याद रखना, ट्रू और फॉल्स में आपको पूछा जा सकता है. और 25% कोई भी कंपनी अपने शेयर से 25% तक ही बायबैक कर सकता है, वो भी आपको ट्रोल फॉल्स के लिए ऑब्जेक्टिव्स के लिए याद रखना है. इसमें कंप्लीट बैलेंस शीट पूछने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन तीन पॉइंट्स बहुत जरूरी है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड कैश इक्विवेलेंट्स. अगर हम थर्ड चैप्टर की बात करें तो थर्ड चैप्टर है हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. में कुछ ऐसे एंट्रीज आपको बताऊंगा जो एंट्रीज आपके पेपर में पूछे ही जाएंगे. इसके ऊपर मैंने बहुत सारे जनरल वीडियोस बनाए थे, लेकिन अभी लास्ट मोमेंट पे आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, कौन से एंट्रीज को पढ़ के जाना है. एक तो आपके शेयर कैपिटल के ऊपर एंट्री आएगा, रिडक्शन के ऊपर, शेयर कैपिटल रिड्यूस,
इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी टू सीआर, प्रेफरेंस टू प्रेफरेंस टू सीआर, या फिर अगर फेस वैल्यू रिमेन अनचेंज पूछा गया तो इक्विटी टू सीआर करके आपको एंट्री पास करना है। एक एंट्री आपका फिक्स रहेगा, असेट्स का वैल्यू बढ़ा या असेट्स का वैल्यू कम हुआ। सिंपल रूल था, असेट्स का वैल्यू बढ़ा तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट एंट्री होगा असेट्स टू सीआर, और असेट्स का वैल्यू अगर कम होगा तो लॉस हो जाएगा, दैट इज वाई कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू असेट्स वैल्यू। एक एंट्री आपको याद रखना है जिसमें आपको दो मार्क्स मिल सकते हैं, इनटैंजिबल एंड फिक्टिशियस असेट्स रिटर्न ऑफ। तो याद रखना है, कभी कभी इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस असेट रिटर्न ऑफ दिया नहीं होता है, फिर भी हमें इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस असेट्स को राइट ऑफ करना कंपलसरी हो जाता है, तो ये एंट्री आपको कंपलसरी करना है। यूजुअली पेपर में दिया जाता है बट ये आपको ध्यान रखना है। एंट्री होगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू जो भी आपके इंटेंजिबल होंगे, जैसे गुडविल होगा, पेटेंट्स होगा, कॉपीराइट्स होगा, ट्रेडमार्क्स होगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मिसलेनियस होगा, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, पब्लिसिटी कैंपेन एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, ऐसे सारे पॉइंट्स आपके इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के रिलेटेड इंपॉर्टेंट होंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड लेजर भी पूछा जाता है, बट लेजर के ऊपर ज़्यादा फोकस करने से अच्छा आप जर्नल एंट्रीज के ऊपर फोकस करो, बिकॉज अगर आपके जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग राइट है तो सारे के सारे आपके पोस्टिंग से रिलेटेड मार्क्स आपको लेजर में इजी तरीके से मिल सकते हैं। कंप्लीट बैलेंस शीट आने के चांसेस थोड़े से कम है। तीन एक्सट्रैक्ट के पॉइंट पूछे जा सकते हैं, जैसे प्रेजेंट शेयर कैपिटल, नंबर सेकंड प्रेजेंट रिजर्व्स एंड सरप्लस, एंड नंबर थर्ड प्रेजेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का वर्किंग नोट। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर में एक एक जर्नल एंट्री के लिए कम से कम एक मार्क या मैक्सिमम दो मार्क्स तो दिए जाएंगे, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना भी आप एंट्रीज को राइट करोगे इंक्लूडिंग द अमाउंट तो ही आपको इसमें मार्क्स मिलेंगे। समझो एक एडजस्टमेंट्स आया और आपको एडजस्टमेंट से रिलेटेड कोई पॉइंट कंफ्यूज हो रहा है, तो उसकी एंट्री अगर आपने गलत कर दी तो उसी के रिलेटेड मार्क्स आपके जाएंगे, लेकिन लास्ट में जो कैपिटल रिजर्व आने वाला है उसका मार्क्स भी आपका जाएगा। तो अकॉर्डिंगली याद रखना है। एक मुझे कल डाउट पूछा था प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर्स, तो प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर रखना है कैपिटल रिडक्शन टू बैंक ऐसा एंट्री होता है, और अगर हमने शेयर्स दिया तो कैपिटल रिडक्शन टू इक्विटी या प्रेफरेंस भी एंट्री आ सकता है। ये था चैप्टर नंबर थर्ड के बारे में। अभी चैप्टर नंबर फोर्थ के बारे में, चैप्टर नंबर फोर्थ फाइनल अकाउंट्स, ये सबसे इजी टॉपिक में मानता हूँ, बिकॉज इस टॉपिक में आपको सिर्फ पोस्टिंग करना है। अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन पेपर में आया तो मैं अभी आपको बताता हूँ तीन टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। एक होगा आपको ओनली प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जाएगा, अगर ओनली प्रॉफिट एंड लॉस पूछा गया तो आपको सबसे पहले P&L का फॉर्मेट आना बहुत जरूरी है, वो अगर आता होगा तो ही अटेम्प्ट करें। नंबर सेकंड आपको पूछा जाएगा कि ओनली बैलेंस शीट, ओनली बैलेंस शीट आया तो भी आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट आना जरूरी है, वो तो ऑलरेडी पिछले दो चैप्टर्स में आपने पढ़ लिया होगा, इसलिए यहाँ पे ओनली बैलेंस शीट आया तो वो भी आप इजीली अटेम्प्ट करें। बट अगर थर्ड वैरायटी आपके पेपर में पूछा गया, दैट इज कंबाइंड क्वेश्चन P&L एंड बैलेंस शीट एक साथ, तो अटेम्प्ट ना करें। रीजन है उसका, अटेम्प्ट ना करने का रीजन ये है कि काफी लेंदी बन जाएगा। वी हैव टू प्रिपेयर फर्स्ट P&L फॉर्मेट, देन नोट्स टू अकाउंट्स, देन अगेन वी हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट फॉर्मेट, देन अगेन नोट्स टू अकाउंट्स। तो एक्चुअली है इजी, लेकिन इतना टाइम हमारा कंज्यूम कर लेगा उसमें कि हमको बाकी के क्वेश्चंस जो रहेंगे वो हमारे कम टाइम में सॉल्व हो सकते हैं। इसलिए थर्ड लेवल के क्वेश्चन अगर फाइनल अकाउंट्स में आते हैं तो वो अटेम्प्ट ना करें, कोई ऑप्शन का क्वेश्चन आप ढूंढ सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको एग्जाम से रिलेटेड याद रखनी है। एक तो आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है ऑब्जेक्टिव्स, पहले 15 से 20 मिनट में आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को खत्म कर दें, और उसके बाद लास्ट में आप अपने थ्योरी क्वेश्चंस को लिखें। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव्स लिखना है, फिर लास्ट में आपको थ्योरी क्वेश्चन लिखना है, और उसके बाद ऐसा क्वेश्चन डिसाइड करना है जो आप कंफर्टेबल है। तो अगर आपको जो भी क्वेश्चन कंफर्टेबल है, इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन बायबैक, इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, गो फॉर दैट। क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद अगर हमारा पहला ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो आपको आपका मॉरल जो रहेगा वो डाउन हो जाएगा और आपके बाकी के क्वेश्चंस पे उसका इंपैक्ट पड़ेगा। इसलिए आपको पहला ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें आप कंफर्टेबल हो और आपको 100% कॉन्फिडेंस हो कि ये क्वेश्चन तो मैं कर लूंगा। तो बेसिकली आपको वही टाइप का क्वेश्चन पेपर के रिलेटेड सॉल्व करना है जो आप कंफर्टेबल होंगे, बाकी आप फिर बाकी के कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल ओवर हियर। दैट्स इट, दिस वाज द वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, बिकॉज मैं ऐसे वीडियोज लाते रहता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।